तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज एक्चुअली प्लान है पूरी जाने का, और टाइम देखो ऑलमोस्ट 5:30 बज गया है। और इधर जो है थोड़ा सा मेरा सामान है, और बाकी का जो सामान अग्नि के पास मैं दे दिया। सो चलो निकलते हैं। अभी मैं मेरा जो है राइडिंग पैंट पहनना बाकी है पैंट के ऊपर, एंड चलो रास्ते में मिलते हैं। ये है दिल्ली रोड। अभी सीधे जाऊंगा अरविंद के पास, और ये जहाँ इधर रेड बुल है वो देना है, एंड वो भी निकलेगा अभी। और टाइम देखो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहा है। प्लान था हम लोगों का निकलने का 3 बजे, लेकिन नींद आ गया। तो ठीक है, चलो नींद हुआ अच्छे से ठीक ठाक, तो कोई दिक्कत नहीं। होपफुली 3 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। और मेरा देखो गाड़ी का इंजन चेक लाइट जल गया, क्यों मालूम नहीं। हाँ, बैटरी का थोड़ा सा इशू है गाड़ी में, तो इसके लिए अगर होगा तो ठीक है, थोड़ी देर बाद चले जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलो लेट्स सी, सो फार सो गुड। अभी अग्रिम को मीट करता है, देन वहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग मीट कर गए ये हुंडई के सामने। अभी जा रहा है, देखता है कितना दूर में रुकता है। मेरे गाड़ी पे तो हो गया, मैं दिखाया इंजन चेक लाइट जल रहा है। इसके गाड़ी में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वायरिंग का कुछ इशू आ रहा है। तो चलो लेट सी क्या होता है। जगन्नाथ देव का नाम लेते लेते चलते हैं। ये तो अभी जो है हम लोग कोलाघाट क्रॉस कर लिए, और सुसु ब्रेक के लिए रुके थे। और अभी जो ऑलमोस्ट बज रहा है 7:40 के आसपास। सॉरी, इधर तो चाबी खो दिया। तो नियरली 1.5 घंटा टाइम पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 किलोमीटर कवर कर लिए। तो वी आर मेंटेन गुड स्पीड आई वुड से। ये देखो अभी ये बाइक पे मेरा थोड़ा टाइम फास्ट चलता है, तो अभी 7:48 लगभग 7:40 के आसपास टाइम है। तो 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा टाइम पे ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर, मेरे घर से अभी 105 किलोमीटर के आसपास दूरी है। तो नेक्स्ट जो है हॉल्ट वो भी नियरली 100 किलोमीटर के बाद ही होना चाहिए। क्या होता है, एंड मेरा जो गाड़ी का इंजन लाइट था वो अभी बंद हो गया। एक्चुअली जब आज सुबह स्टार्ट देने मतलब स्टार्ट दे रहा था, उस टाइम पे बैटरी का इशू हो रहा था, तो स्टार्टिंग ट्रबल दे रहा था, उसके लिए इंजन का जो चेक लाइट है वो जल गया था। आफ्टर धूलागढ़ टोल प्लाजा वो बंद हो गया, और इस गाड़ी भी ठीक ठाक है चल रहा है। सो चलो देखता है लेट फी कितना। गाइस, हमारे जाने का ये जो है 3 नंबर टोल प्लाजा है, रामपुरा टोल प्लाजा देखो कितना है। तो अभी बज रहा है 8:28, और ऑलमोस्ट हम लोग 150 किलोमीटर से मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चला लिए इसे आधे घंटे के टाइम पे। आधे घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 45 मिनट। सो या वी आर मेंटेनिंग अ गुड स्पीड। चलो सो फार सो गुड। अग्नि थोड़ा आगे चला गया, ये टोल प्लाजा पे मैं आया हूँ रुका। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा एंड ये ऑमलेट। ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया, उसका बाद में आया, तो यही है। सो चलो खाने के बाद अगर होगा तो रेड बुल खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो इधर हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया। अभी जो रेड बुल लाए थे वो रेड बुल अभी खा रहा हूँ, अग्नि भी खा रहा है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट कर लिया तो नींद आने का चांस है थोड़ा इसीलिए। और ऑलमोस्ट हम लोग 270 किलोमीटर मतलब क्रॉस कर लिए, और नियरली अभी 230-240 के आसपास बाकी है। तो होपफुली 3-4 बजे के अंदर मैं मतलब हम लोग पहुँच जाऊँगा। क्या होता है, सो फार सो गुड। अभी जो अभी रिफ्यूल के लिए रुका था, मेरा गाड़ी लगभग 40 के आसपास दे रहा है, उसका 35। तो कार्बोलेटर वर्सेस FI, एंड हाँ वो लगभग स्पीड भी सेम ही है, लेकिन जो है। और अभी हम लोग मेरे घर से मेरा जो है 308 किलोमीटर आया हूँ, वो 306। सो अभी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर बाकी है। सो होपफुली 4 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा हम लोग। सो या क्लाउडी वेदर है, एंड कभी कभी थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग करके बारिश हो रहा है, तो दिस इज़ द थिंग। चलो अभी भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
सो गाइज अभी हम लोग रुके हैं सुसु ब्रेक एंड वाटर ब्रेक के लिए. तो अभी 2:30 बज रहे और ऑलमोस्ट हम लोग पूरी से 130-140 किलोमीटर मतलब दूरी है. और द थिंग इज कि रास्ते पे ये सब बहुत मिलेगा, स्पीड कैम ये देख के चलाना है. अगर आपको ये पहले दिख जाए तो एटलीस्ट आपको स्पीड 60-70 के आसपास कर लेना चाहिए. दिस इज द थिंग. तो या सब ठीक ठाक ही है. सोचा था गूगल का जो ETA टाइम है जब हम लोग निकले थे 6 बजे तो उस टाइम दिखा रहा था 3:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी टाइम देख के लग तो नहीं रहा है जो 3:30 बजे तक हम लोग पूरी पहुंच जाएंगे. ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट होगा क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट भी किया और ब्रेक भी ज़्यादा ले रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल के बाद हम लोग निकले हैं. तो दिस इज द थिंग. या चलो अभी पूरी से 130-140 किलोमीटर पूरी में हूँ अभी, बट द रोड इज लाइक वाओ. सो गाइज एक्चुअल थिंग इज कि जब मैंने एक्शन कैमरा पे फुटेज लिया था एक्सीडेंटली मेरे हाथ से जो है म्यूट का कैमरा का जो म्यूट बटन है वो प्रेस हो गया था. तो इसके लिए कुछ भी वॉइस या कुछ भी चीज़ मतलब वॉइस रिगार्डिंग रिकॉर्ड नहीं हुआ. एंड अनदर थिंग इज़ कि ये जो कैमरा से फुटेज मैंने लिया था ये कैमरा मेरा था लेकिन जो माउंट अग्निव का हेलमेट से मैंने माउंट करके किया था सो जो उसका व्यूइंग एंगल है उसका था. सो अग्निव ने बोला था जे एक बार चेक करने के लिए लेकिन वो रास्ते पे और उतना गर्मी भी था तो उस टाइम पे मैंने चेक नहीं किया था. तो एक्चुअल थिंग इज़ कि व्यूइंग एंगल भी उतना सही नहीं आया. सो उसके लिए उतना एकदम प्रॉपर ये जो फुटेज है नहीं आया. सो इसके लिए छोटा छोटा कुछ क्लिप मैं दे दूंगा इसके रिगार्डिंग और जो वीडियो है वीडियो. Looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feel good. Yeah, but when off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you. And you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile. So, jidhar maine ruka hu, wo actually Odisha Mohanadi ka jo bridge hai, wo wala bridge hai. इसका जो लेंथ है एक्चुअली ओडिशा में सबसे बड़ा और आई डोंट नो एक्चुअली इंडिया में भी मतलब कौन से नंबर पे आता है ड्यूरिंग द लेंथ. ये जो ब्रिज का लेंथ है नियरली 2.8 किलोमीटर के आसपास का लेंथ है ये वाला ब्रिज का. सो दिस इज़ द थिंग. बट हाँ ब्रिज का जो रास्ता है वो मतलब उतना सही नहीं है बट हाँ, और जो रिवर में उतना पानी भी नहीं है बट हाँ जो ब्रिज है 2.8 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज है. ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा अगर कोलकाता या मतलब भुवनेश्वर से आप पूरी आप आ रहे हो तो यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा. ये साइन बोर्ड पे आप देखो लिखा है कि पूरी जो है लेफ्ट साइड पे है और मतलब बहुत लोग जो है इधर ही गलती करता है जो सीधा चला जाता है. तो यही पॉइंट पे आपको देख के लेफ्ट लेना पड़ेगा पूरी के लिए और यहाँ से पूरी ऑलमोस्ट 52-55 किलोमीटर के आसपास का दूरी में है. वी आर ऑलमोस्ट रीच पूरी 42 किलोमीटर फ्रॉम हियर. इधर जो है सब लोग फोटो खींच रहे हैं तो हम लोग भी खींचेंगे.
एक दो फोटो दे निकल जाएंगे। तो अभी जो है टाइम हो रहा है नियरली 4:58। सो अभी लेट हो गया, मतलब थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, तो दिस इज द थिंग। चलो दो तीन फोटो खींच ले रहे हैं, देन निकल जाए। तो अभी जो है हम देखो 6 किलोमीटर है फ्रॉम पुरी वी आर राइट नाउ, बट मैप पे शो हो रहा है 7.6 किलोमीटर। तो 7.6 किलोमीटर भी 20 मिनट दिख रहा है, तो चलो लेट्स सी। सामने ये जो एक ब्रिज देख रहे हो ये श्री सेतु के नाम से है उधर। अगर हम लोगों के पास टाइम होता तो ये ब्रिज पे भी हम लोग जाते, मतलब ये जो व्यूइंग एंगल जो है और जो व्यू लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोगों के पास। सो यही जो पॉइंट है जिधर हम लोगों ने मेन पुरी एंटर किया था और हम लोगों को पुरी का जो समुंदर है वो देखने मिला था। सो मतलब एक अलग सा सुकून मिला था ये जो पॉइंट पे आके। सो इधर ही आके जो है मेरा एक्शन कैमरा का फुटेज ख़त्म होता है और जो बाकी का जो है नॉर्मल मेरा जो आईफोन से शूट हुआ था। सो यही था। वी रीच्ड पुरी, इधर सी बीच, इस रास्ते से आए हैं और उसका भी मतलब एक्शन कैमरा में वीडियो फुटेज था पहले, आप लोग देख लिए। सो अभी जो है होटल ढूंढना है, होटल देख के सब कुछ लगेज रख के अभी मंदिर पे जाना है। और सिटी तो अभी यहाँ से देख लिया और रात में भी आएंगे बीच के साइड पे। सो या दिस इज़ द थिंग। लगभग मैं घर से निकला था नियरली 5:55 किलो और सीरमपुर से 6:05 या 6:10 के मतलब सीरमपुर से निकला हुआ था। सो अभी जो है 5:30 बज रहा है लगभग, मतलब 11.5 घंटा लगा, इतना टाइम नहीं लगा। मतलब दोपहर के बाद थोड़ा सा जो है दर्द करने लगा, तो इससे भी तो अभी जो है ठीक है। चलो आ गए फाइनली, मतलब जिक्सा जब था उस टाइम से ड्रीम था तो खुद के बाइक पे पूरी आएंगे, तो आ नहीं पाया था उस टाइम पे। सो फाइनली अभी जिक्सा के टी एम के बाद इन एस पे आ गया। तो चलो गाइस अभी जो है रात को 8:30 बज गए, उस टाइम पे दिखाया तो हम लोग लगभग 5:30 बजे पूरी इंटर कर गए थे। तो उसके बाद एक्चुअली आज है सैटरडे, सो उसके लिए इधर होटल ही नहीं मिल रहा था, तो बाई चांस ये मिला कूलिंग पूरी इधर, जो डबल बेड का रूम है। प्राइस पड़ा ऑलमोस्ट 2500 और उसमें कल जो है मेरा हम लोगों का दोस्त जो है दीपन आएगा, तो तीन आदमी रहेगा तो लगभग 500 का आसपास एक्स्ट्रा लेगा, जो एक्स्ट्रा मैट्रेस या जो पिलो देता है तो इसके लिए। सो हम लोगों का गाड़ी इधर है और अभी 8:30 बज रहा है और जो है ये ऑलमोस्ट प्राइम प्लेस पे है, सामने स्वर्गद्वार और वहाँ से ही मंदिर जाने का रास्ता है। सो इधर होटल हम लोगों का होटल सी साइड पे नहीं है, उस साइड पे है, लेकिन ऊपर खाद से हम लोग मतलब सी का व्यू ले सकते हैं, तो यही बात है। चलो अभी तो मतलब थोड़ा ये जगह थोड़ा खाली हो गया, नहीं तो जब हम इंटर किए थे उस टाइम पे अलग ही क्राउड था, अलग एकदम अलग लेवल का क्राउड था। तो दिस इज द थिंग। इट्स आवर डिनर टाइम, अभी टाइम हो रहा है 10:30 ना, 11 ऑलमोस्ट 11। निकल के सी बीच पे गया था, अभी डिनर कर रहा हूँ, इसके बाद होटल पे जाके एकदम फ्लैट। सो गाइस अभी हम लोग जो पुलिंग पूरी हम लोगों का होटल है उधर टेरिस पे आए थोड़ी देर बैठने के लिए और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:45 रात को और हम लोगों का बाइक इधर पार्क है। थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत बारिश हुआ था, एक्चुअली लाइक ड्रिजलिंग इवन से। सो कल जो है रात को निकले थे ऑलमोस्ट 4 बजे उठे थे, सो अभी भी जागा हुआ हूँ। इसके लिए मतलब एक अलग मज़ा है इधर आने का और ये होटल रहने में, मतलब
ये होटल का मतलब रहने का अभी जो है पर्पस फुलफिल हुआ, क्योंकि इधर बैठ के लाइक यहाँ से आप डायरेक्ट सी देख सकते हो इजीली। सो दिस इज़ द थिंग। बट हम लोगों का मतलब मेरा तो आज एकदम उतना पावर नहीं है, तो 5-10 मिनट बैठूँगा, उसके बाद मतलब नींद आ गया तो चले जाऊँगा। तो या अग्नि पीछे है और उसका टाइम लैप्स भी चालू है, टाइम लैप्स ले रहा है रात को, कैसे आएगा मालूम नहीं, चलो ले रहा है, ठीक है। I'm always looking for a shave when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but I'm too.